नमस्कार दोस्तों, नैन डेयरी फार्म चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे भी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी भाइयों तक पहुंच जाए। तो देखिए दोस्तों, जो कि आज आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बिल्कुल एक से एक शानदार मुर्गा पशुधन जो आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। ये बिल्कुल एक आम पशुपालक के घर से ये वीडियो लेके आए हैं। तो जो आप ये स्क्रीन पे पशु देख पा रहे हैं, जो सभी पशु की डिटेल आगे भाई साहब से लेंगे। तो वीडियो को शुरुआत में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो आज हम ये वीडियो लेके आए हैं, ये अपने ही गांव दमदान साहिब जिला जींद और तहसील नरवाना से ये वीडियो लेके आए हैं। तो जो अपना गाँव है दमदान साहिब, वो हरियाणा का बिल्कुल आखिरी गाँव है पंजाब के बॉर्डर पर, अपने से लगभग 2-3 किलोमीटर के बीच में पंजाब का बॉर्डर आ जाता है। तो दोस्तों, जो अपना गाँव दमदान साहिब है, वो नरवाना और टुवाणा के बिल्कुल सेंटर में है। नरवाना से भी लगभग 17-18 किलोमीटर की दूरी पर, और नरवाना से भी और टुवाणा से भी, दोनों के बिल्कुल बीच में है। 17-18 किलोमीटर नरवाना से और 17-18 किलोमीटर टुवाणा से है। तो आगे की सभी एक एक करके पशु की डिटेल जो है भाई साहब से लेते हैं। तो आइए भाई जी। नमस्कार सारे भाइया ने। नमस्कार भाई जी, बड़ा ऊंची आवाज में बोलना भाई जी। नमस्कार सारे भाइया ने। नमस्कार जी। तो अपना नाम बताएं भाई साहब। नाम सोनिया जी। देखिए भाई साहब का नाम सोनिया, गांव दमतान साहिब है, मैंने सोनिया। पहले ही बता दिया है। तो जो ये अपने पास से पहला पशुधन है, इसके बारे में पूरी डिटेल दें कि कौन से ब्यात में है और कितने महीने की प्रेग्नेंट है, कितने दिन ब्याने के बाकी हैं, तो बताएं। ये तीसरे ब्यात में है जी। अभी तीसरे ब्यात में है। हाँ जी। अच्छा जी। और 25 तारीख को ये 10वीं नहीं हो जाएगी जी। 25 तारीख को पूरे 10 महीने की हो जाएगी। हाँ जी। और आज तारीख अपनी, आज तारीख कितनी है? 17 तारीख है जी। आज 17 तारीख है को ये वीडियो हम कवर कर रहे हैं, और 25 तारीख को भैंस 10 महीने की हो जाएगी। तो दूसरे ब्यांत में कितना दूध निकाला भैंस ने? दूसरे ब्यांत में जी इसने 22 लीटर दूध निकाला था जी। ये देखिए आप पशुधन को देख सकते हो, बिल्कुल बहुत ही बड़े साइज की ये भैंस है। आप सींग की क्वालिटी देख सकते हो और पीठ पुठे की चौड़ाई भी आप देख सकते हो। ये देखिए बहुत ही चौड़ी पीठ पुठा और बिल्कुल, ये देखिए प्योर जेड ब्लैक पूंछ के साथ, और आप अंडर की क्वालिटी भी इसमें देख सकते हो। ये देखिए टिट्स का स्पेसिंग भी देखिए। अभी से इसका भाई ने बताया कि हफ्ता ब्याने का बाकी है, तो एक बार इसे खोल के दिखाएं भाई जी। ये देखिए दोस्तों, आपको वीडियो में शायद कुछ अनुमान ना आ पा रहा हो, भैंस बहुत ही बड़े साइज की है। ये देखिए अंडर की क्वालिटी आप देख सकते हो। ये देखिए बिल्कुल प्योर जेड ब्लैक पूंछ के साथ, और ये देखिए बिल्कुल एक, ये आप अनुमान लगा सकते हो, बिल्कुल एक बुरुल के बराबर हाइट और चौड़ाई लिए हुए है। ये देख सकते हो बिल्कुल शांत और ठंडे स्वभाव की है। ये देखिए अपने घर किया है, मोल खरीद दिया भाई जी। ये मोल खरीदी थी जी। ये मोल खरीदी हुई है भाई ने, चलो बांधो इसे। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही चौड़ी पीठ पुठे की जोटी, एक नंबर की जोटी है। तो ये देख सकते हो आप साइड से भी, आपको इसके अडर की क्वालिटी और थनों का स्पेस, ये देखिए बिल्कुल मुठियाकार के थन है। तो आगे का जो ये दोनों, ये देखिए बिल्कुल सांस स्वभाव किया। देखिए अभी से भैंस का ब्याने का हफ्ता बाकी है, और किसी भी तरह से थनों पे हाथ फेरे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए आगे दो नंबर पे एक और पशुधन देख सकते हो। इस पशुधन की क्या डिटेल है जो ये दो नंबर पे भाई? ये भी तीसरा है जी। ये भी तीसरे ब्यांत में है। हाँ जी। इस साइड में कर, ये देखिए ये जो जोटी है, ये भी तीसरे ब्यांत में है, भाई ने बताया। ये देखिए, ये देखिए थोड़ा है भीड़ जरूर है यहाँ पे। ये देखिए अभी तीसरे ब्यांत में है ये। हाँ जी। कितने दिन बाकी है ब्याने के? ये 8 महीने की होगी जी। 8 महीने की प्रेगनेंट होगी। हाँ जी। दूध से देरी आया ड्राई कर? अभी छोटी है जी, हफ्ता हो गया। ये देखिए 8 महीने की प्रेगनेंट होगी, और भाई ने बताया 1 हफ्ता हो गया। ये नहीं देखिए अडर के बिल्कुल रिंकल्स आप देख सकते हो, मूत्र मार्ग से लेकर काफी नीचे लग रिंकल्स है। ये देखिए, और ये 3 नंबर पे जो जोटी है, इसके बारे में और बताएं। ये दूसरा है जी। ये देखिए दूसरे ब्यांत में ये ब्याने वाली जोटी है, आप सिंग भी देख सकते हो, बिल्कुल रिंग सिंग देख सकते हो। और आप ये देखिए थोड़ा सा जो पूंछ का व्हाइट कलर ज्यादा जरूर है, आप पेट की क्वालिटी देख सकते हो। ये दूसरे ब्यांत में भी आएगी? हाँ जी, दूसरे भी आएगी। अभी प्रेगनेंट कितने महीने की? 5 महीने की होगी जी। 5 महीने की प्रेगनेंट होगी। हाँ जी। अच्छा जी, अभी दूध दे रही है या? ठीक है, दूध दे रही है जी, 7-8 किलो। 5 महीने के प्रेगनेंट 7-8 किलो दूध है। तो आगे जो ये 4 नंबर पे पशुधन है, इसके बारे में और बताएं।
ये भी दूसरे भी आएगी जी। ये भी दूसरी बार भी आएगी। हाँ जी। कितने दिन बाकी है? ये सातवीं नहीं होगी जी। सातवीं नहीं होगी। ये देखिए, ये भी आप भैंस देख सकते हो, दूसरे भी आएगी। हाँ जी, ये भाई ने बताया चार दांत है जी। चार दांत अभी? हाँ जी। ये देखिए भाई ने बताया चार दांत है, और अभी दूसरी बार भी आएगी। इसकी भी पूंछ जरूर थोड़ी ही वाइट है, क्योंकि ये कोई कंपटीशन लेवल या उस लेवल में भाई भैंस नहीं पाल रहे, ये तो बिल्कुल एक आम पशु पाल गए। ये देखिए सांत स्वभाव, बिल्कुल ठंडे और सांत स्वभाव की ये जोटी है। और आगे ये एक जोटी, ये पहले भी अंत में भी आएगी। क्या कितने महीने की बनोगी? ये जी आठ महीने की होगी। आठ महीने की प्रेग्नेंट होगी। हाँ जी। ये देखिए बिल्कुल दोस्तों, रिंग सिंह की जोटी। कितने दांत होगी है? ये चौथा अभी तोड़ा जी। चौथा दांत तोड़ दिया। हाँ। ये देखिए चौथा दांत है, जो दो कंप्लीट करके चौथा दांत तोड़ दिया। और ये देखिए अडर अभी से खोलना शुरू कर दिया, और थनों की बनावट भी आप देख सकते हो, बिल्कुल प्योर जेड ब्लैक पूंछ में। कितने महीने की प्रेग्नेंट? ये आठ महीने की। ये देखिए आठ महीने प्रेग्नेंट हो चुकी है, और अडर अभी से खोलना शुरू कर दिया। बिल्कुल थन देख सकते हो, बिल्कुल अलग अलग कला कला थन लगे हुआ है। तो आगे आप ये एक जोटी और देख सकते हो, जो मिनी जोटी है। ये मिनी जोटी दोनों सिंग हिल रहे हैं, एक हिल रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, दोनों सिंग हिल रहे हैं, जो बिल्कुल एक ओरिजिनल मिनी आप देख सकते हो। ये देखो दोनों सिंग हिल रहे हैं, बिल्कुल छोटे सिंग है। ये कितने महीने की प्रेग्नेंट होगी? ये भी दस महीने की होगी जी। पूरे दस महीने की होगी? दस तारीख को दस महीने की हो जाएगी। तो ये तो दस महीने, दस तारीख को दस महीने की हो ली, अभी ऊपर ले रखी है दिनिश ने। हाँ, ऊपर ले रखे हैं। ये देखिए भाई ने जैसा जो सच्चाई है वही बताया है, दस महीने पूरे करके ऊपर, एक हफ्ता ऊपर ले चुकी है। ये देखिए अडर की क्वालिटी आप देख सकते हो, बिल्कुल एक टाइट अडर जो टी ने तैयार किया हुआ है, जो फर्स्ट टाइम मेरे भी आने वाली है। दांतों से कितने दांत हो गए? इसने भी चौथा तोड़िया है। ये देखिए पाँच चार दिन हो गए। ये देखिए अडर देख सकते हो आप, बिल्कुल ये टाइट अडर है। ये देखिए बिल्कुल पहले भी हाथ की ठंडे और सांस भाव की जोटी है, आप देख सकते हो। ये देखिए बिल्कुल जो प्योर मीणी, कई भाई बोलते हैं मीणी चाहिए मीणी चाहिए, तो आप देख सकते हो दोनों सिंगल रहे हैं, प्योर मीणी। और आप अडर की क्वालिटी भी देख सकते हो, थनों का स्पेस देख सकते हो, बहुत ही अच्छी जोटी है, बिल्कुल ठंडे और सांस भाव की जोटी है। ये अगली जोटी को उठाए भाई जी, दो ही खड़े। ये देखिए एक बूरी भी भाई के पास, एक बूरी जोटी है, और ये आगे कटिया भी आ गई है। दो तीन पूरी डिटेल लेते हैं भाई से। तो ये जो कुंड में जोटी है, इसकी क्या डिटेल है भाई साहब? या खीरी है जी लगे, अरे दो महीने की आगे होगी। दांतों से अभी खीरी है? हाँ जी। दो महीने की आगे होगी। हाँ, और बूरी की क्या डिटेल है? बूरी सात महीने की होगी जी। सात महीने की प्रेग्नेंट होगी। दांतों से कैसी है? दांतों से ये दो दांत है जी। दो दांत होगी। हाँ। ये देखिए दोस्तों बुरी आप देख सकते हो, जिसके माथे में कोई वाइट निशान नहीं है। और आप देख सकते हो अगर नीचे से बात करें तो, ये देखिए बिल्कुल एक बहुत ही जबरदस्त अर्डर बनाने बनाएगी जोटी। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल दूरी दूरी पे बहुत ठंडे और सांस भाव की थनों की क्वालिटी भी आप देख सकते हो। ऑर्डर अभी से बहुत ही अच्छा अडर बनाना तैयार कर दिया, ऊपर से पीठ की क्वालिटी भी देख सकते हो। आगे ये भाई साहब की दो कटिया इधर आ गई है, और ये दो कटिया इधर आ गई है भाई साहब की। तो इनमें से कोई पशु सेल करने का विचार है भाई जी? हाँ जी, मिनी ना बेचेंगे। मिनी को सेल करने का विचार है? हाँ जी। मिनी ये तो अभी मानने के चलो अभी ब्याने के बिल्कुल नज़दीक है। हाँ जी। तो इसका रेट राट बिल्कुल जायज रेट क्या भाई जी? जायज रेट जी 1,20,000 रुपये। ये देखिए दोस्तों भी भाई साहब ने बिल्कुल जायज रेट किया है, 1,20,000। कोई और भी पशु बिका हुआ है? कोई कटरी बिका हुआ ना जी? और तो आप व्यापार नहीं करते जी, घर में पाला? अपना व्यापार का काम नहीं है ना जी। ये देखिए भाई साहब ने बताया है, बिल्कुल एक आम पशु पालक है, कोई व्यापार का काम नहीं है। पहले बात हुई तो भाई ने बताया कि कोई छह महीने साल में जब कोई जो अच्छी जोटी तैयार हो जाए उसे सेल कर दिया। ये देखिए मिनी जोटी सेल के लिए है, और एक ब्यांत पे जो पहले नंबर पे दिखाई थी जोटी है, बहुत बड़े साइज की है आप देख सकते हो। और भाई साहब ने जो इन सभी पशुओं का चारा लाने के लिए भाई ने एक बहुत ही अच्छे बैल और रखा आप देख सकते हो। ये देखिए बिल्कुल यंग उम्र में आप इस बछड़े को देख सकते हो। ये देखिए ये भाई साहब का बछड़ा जो बिल्कुल
बहुत ही अच्छा प्योर हरियाणा में ब्रेड में ये देख सकते हो बच्चा, बहुत ही ठंडे और शांत स्वभाव का जो पशुओं का चारा लाने के लिए भाई ने रखा है। तो दोस्तों बताना वीडियो में आपको सबसे अच्छी जोटी या भैंस कौन सी लगी। मैंने तो ये जो एक नंबर पर जोटी है बहुत ही अच्छी लगी। इसी के साथ वीडियो को एंड किया जाता है। और एक बार आना भाई साहब अपना नंबर बताना कॉन्टैक्ट नंबर। ये देखिए भाई साहब का जो नंबर है भाई का अवेलेबल कराएंगे। अगर किसी भाई को कोई भी जानकारी या मैंने जोटी जो भाई ने बताया सेल के लिए उसके लिए डिटेल लेनी है तो भाई साहब का नंबर नंबर बताएं भाई जी। नंबर है 78-76-27-11-74। ये देखिए भाई ने नंबर अवेलेबल करा दिया है। जिस भाई ने कोई भी डिटेल या जोटी के बारे में जानकारी लेनी है या लेनी है तो 78-76-27-11-74 भाई ने नंबर बताया है। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाना। धन्यवाद दोस्तों।